कीप इन माइंड कि कोई भी आप कार स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको स्टार्ट करते ही एक्सेलेरेटर मत दो, बिकॉज वो जो कार है ना, अभी आपने स्टार्ट की एक्सेलेरेटर दोगे, ये ऐसे होगा कि किसी को आप उठा के कह रहे हो कि नाश्ता कर लो, तो वो ऐसे हो जाता है। वो अभी किसी को आप उठा रहे हो, उठो, उठ के बैठो, फ्रेश हो, फिर नाश्ता करें। ऐसे ही कार्स का भी होता है कि पहले कार को स्टार्ट करो, 2-3 मिनट तक स्टार्ट करो, RPM नीचे हो जाए, फिर आप उसका एक्सेलेरेटर जो है प्रेस कर लो, मुश्किल नहीं है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल, बिकॉज आज मैं आपको देने लगा हूँ होंडाई H1 का रिव्यू। सो स्टे ट्यून, लेट्स गो। सो गाइस, ये चेक करें लाइट्स होंडाई H1। ओ नहीं 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 नहीं, वन सेकंड। सो गाइस, ये चेक करें होंडाई H1 की लाइट्स। सो गाइस, हियर वी हैव होंडाई H1। गाइस, लुक चेक करें इसकी, वाओ, जस्ट लुक चेक करें इसकी, लुकिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है, और नंबर प्लेट तो बेस्ट है, बेस्ट। इस कार के बारे में जो मेन चीज़ है ना, पहले नंबर पे मेरा फेवरेट नंबर है Z44106 360। पहले लुक देता हूँ, सो गाइस ये है होंडाई H1 2014 मॉडल, GCC, नीट एंड क्लीन। सो गाइस, जो इसका नाम है ना होंडाई H1, सो मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगता है, मैं इसको सिर्फ ये बुलाता हूँ H1, where is H1, सो बहुत ज़्यादा कूल लगता है, H1 किधर करिए। मैं यूज़ टू हो गया हूँ, और इसमें ना 9 सीट्स आती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी इसका जो इंजन है वो 4 सिलेंडर है, और पिकअप भी अच्छी है, बाकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी है, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्लीन है जो ये वाली कार मिली है आपको। अब दिखाता हूँ, लेट्स गो। सबसे पहले इंजन पे चलते हैं। सो गाइस, V4 इंजन है इसका, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, चेक करें, कोई लीकेज नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऑयल परफेक्ट, सब कुछ मतलब सही, नीट एंड क्लीन है। और बाकी इस साइड पर हम आ जाएं तो ये चेक करें, लाइट्स की लुक चेक करें, इधर से स्टार्ट हो गया, ऐसे आ रही है, वो एक लुक आती है ना, मतलब एक होती है ना विलन की लुक, ऐसे खतरनाक देखती हैं लाइटें, जैसे मस्टैंग की होती थी, लेकिन ये देखें इसकी जो लाइट्स है ना, बहुत वो एक थी ना डिसेंट टाइप, वैसे इसकी लाइट्स मुझे लगती हैं। और बाकी चेक करें इसका भी हाईएस्ट की तरह इंजन की, सिर्फ इतना ये हुड ओपन और ये इधर तक इंजन, आगे इसकी इतनी वह स्पेस है, सो बैक साइड से काफ़ी बड़ी है। और मैं आपको बताऊं, जो हाईएस्ट है ना, इसमें अगर आप बैठ के चलाओ, ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है, लगती नहीं है इतनी कि काफ़ी ये बड़ी होगी, हाईएस्ट ज़्यादा बड़ी होगी बाहर से जो देखने में, लेकिन जब इसको आप अंदर बैठो चलाओ तो तब आपको फील होता है कि ये वाकई में ही बड़ी है। सो गाइस, फ्रंट ग्रिल, फ्रंट लाइट्स, नंबर प्लेट और इंजन, और अभी हम चलते हैं। रिम्स भी बहुत ज़्यादा कूल हैं, सिंपल लगे हुए हैं बट बहुत ज़्यादा कूल लग रहे हैं, बिकॉज मैच कर रहे हैं इसके साथ। अभी आपको दिखाता हूँ अंदर से। सो गाइस, डोर ओपन करते ही ये देखें, डोर से ही आप अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा है, कि चेक करें हैंडल, नीचे चेक करें इधर स्पेस और इधर स्पेस चीज़ें रखने के लिए, और इस साइड पे आ जाएं तो आपको इधर पहले इधर पैर रखना है, फिर ऊपर चढ़ना है इसके स्पोर्ट के से, इस वजह से क्या मुझे पता लगता है इसके ऊपर। सो इधर हम आ जाएं तो ये चेक करें, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई काम होने वाला नहीं, माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कार है। और ये चेक करें, मेन चीज़ इसकी दिखाऊँगा आपको, वन सेकेंड, ये चेक करें, 2 सीट्स, इधर कप होल्डर और सामान रख सकते हैं, और ये ऊपर गया, और ये चेक करें, 3 सीट्स हो गई है, इजीली वहाँ दो लोग
और एक इधर बैठ सकते हैं जो ड्राइव कर रहा है, और चेक करें कितनी कूल लग रही है, थ्री सीटर, ये चेक करें। इसका गियर इधर आता है, ये स्पेस लेग स्पेस इधर भी बन जाती है और इधर भी लेग स्पेस है, सो इजीली इधर चेक करें। एसी कंट्रोल सब कुछ इधर, मैं अंदर अंदर अभी आपको चेक कर दिखाता हूँ, ये चेक करें इसकी लुक कैसे आती है ड्राइव करते हैं। और इधर चेक करें, इधर स्पेस दी है, सामान इधर भी रख सकते हो, और इस साइड पे भी ये स्टोरेज दी है, और इस साइड पे इधर बिल्स वगैरह, इसको ओपन करके इधर चार्जर लगा सकते हो। और इधर नीचे चेक करें, इसके कप होल्डर्स जो है ना सबसे ज़्यादा कूल हैं, ये चेक करें, ये चेक करें। और ये नॉर्मल नहीं, ये चेक कर कितना टाइट है कि आपका कप इतना भी है ना चाय वाला, वो भी सरा से ही टाइट आएगा, ऐसे आप प्रेस कर दें जब आप नहीं यूज़ कर रहे, वापस ये चल जाएगा। साइड पे आके ये चेक करें, राइट साइड पे ग्लोव बॉक्स आ जाएगा, जिसके अंदर अभी हॉर्न पड़े हुए हैं अपग्रेडेड, जो भी लगाने हैं, बिकॉज इसका जो साउंड है नॉर्मल सन है। अभी जो मैं आफ्टर लगाऊंगा वो आपको बाद में दिखाऊंगा रिजल्ट। सब ऊपर आ जाते हैं, इधर भी स्टोरेज है, इधर भी सामान रख सकते हैं, और बाकी इस साइड पे भी वही चेक करें। डोर अभी ओपन है तो ऐसा लगेगा, रिपेयर देखें, और जब क्लोज होगा चेक करें, ये वाला जो कप होल्डर है किधर आ गया वो चेक करें, बिल्कुल साथ लग गया उस साइड पे, और फिर ऊपर फिर ऐसे। सो ये बहुत ज़्यादा कूल सिस्टम बनाया हुआ है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये कार ड्राइव करने का। बाकी इसको बंद करते हैं, और इधर आप देख सकते हैं बैक साइड, और उससे बैक साइड पे आज मेरे बाल प्रॉपर नहीं बने, बिकॉज मैंने सिर्फ ऐसे सेट किए और मैं बाहर आ गया। सो मैं बता रहा था आपको, ये जो है ना होंडा H1, ये बहुत ज़्यादा कूल है, ड्राइव करने में भी बिल्कुल स्मूथ चलती है। बैक साइड से कुछ ऐसा व्यू आता है, ये चेक करें, इधर आपको मिल जाती हैं थ्री सीट्स, और बैक साइड पे आपको मिल जाती हैं और थ्री सीट्स, टोटल नाइन सीट्स हैं। ये चेक करें, इजीली इसको आपने आगे करना, एक हाथ से भी आप इजीली इसको आगे कर सकते हैं। और इधर चेक करें, थ्री सीट्स ही हैं, और लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, और बाकी आगे आके थ्री सीट्स ही हैं, 333, टोटल नाइन सीट्स। अब आप इसकी बैक साइड पे ट्रंक ओपन करता हूँ ना, आप स्टोरेज देखनी है ना, आपने हैरान हो जाना है। चेक करें ज़रा, चेक करें, स्टोरेज इसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही खुली है। इधर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैग्स रख सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें स्टोरेज है ना। चेक करें ये लुक, सो गाइज कैसी लगी आपको होंडा H1? मुझे तो बहुत ज़्यादा कूल लगी। अभी इसकी लुक है वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इसकी ड्राइव तो अनदर लेवल है। मैं इसको भगाता नहीं, मैं इसको आराम से चलाता हूँ, बिकॉज मज़ा आता है आराम से चलाने का। सो गाइज ये चेक करें, ईजीली मैं भी बैठ सकता हूँ। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होंडा H1 का रिव्यू अच्छा लगा होगा। इसका वो सिस्टम है किधर भी आप पार्क करके ना पीछे आराम से बैठ के खाना भी खा सकते हो। सो गाइस ये चेक करें, इस पे स्टिकर भी लगा है RTA की तरफ से कॉल करने के लिए, ये वाला स्टिकर भी लगा है, और ये वाला स्टिकर लगा है जो आपने नहीं, अगर आप मुझे देखें ड्राइव ऐसे ऐसे करते तो आपने नहीं इस नंबर पर डायल नहीं करना। ओके, मैं इधर अपना लिख देता हूँ, मेरे भी नंबर के 786 ही लास्ट पे आता है, बट ये डिफरेंट है। सो मैं उधर अपना नंबर लिख देता हूँ, आपने इधर नहीं कॉल करनी, ठीक है ना। क्लोज, ये चेक करें इसकी की नॉर्मल आती है, ये देखें की में कोई बटन नहीं है। अभी स्टार्ट करके देखते हैं, साउंड चेक करना, ये स्टार्ट, और ये चेक करें इधर आती, ये चेक करें, मतलब इन्होंने स्पेस इधर सिर्फ हैंड ब्रेक के लिए दी है, और नहीं सारी सीट्स बिल्कुल जाती होती। सो अभी मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, ऑलमोस्ट 2 मिनट्स हो गए, अभी चेक करना साउंड इसका।
चेक करें इसका साउंड। सो गाइज आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अनदर व्लॉग। गुड बाय एचवन, बाय बाय करो। ये जाय करें एक हाथ से भी, मतलब इतना इसका स्टीयरिंग सॉफ्ट है ना, इजीली आप एक हाथ से चला सकते हैं। सो गाइस ये थी Hyundai H1 और अभी मैंने ना जो फॉर्च्यूनर है ना उसके भी नंबर प्लेट न्यू लगाया, मींस वही नंबर है बट जो प्लेट है ना उसकी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और अभी थोड़ी स्टाइल से लगाई है, वो भी आप क्लिप देख लें, इसके बाद मैं डालता हूँ। सो गाइस अभी पार्किंग में लग गई है फॉर्च्यूनर और ये चेक करें, ये ऊपर से 5 भी मिटा हुआ है, 8 भी और 7 भी। सो इसकी वजह से RTA ने ये नंबर प्लेट पास नहीं की, उन्होंने कहा चेंज करो। अभी जो नेक्स्ट होगी उसमें ये जो ब्लू है और पिंक ये नहीं होगा, फुल ब्लैक होगा और वो थोड़ी डिफरेंट लुक आएगी और न्यू वो आएगी। जैसे देखें बैक की ये और फ्रंट की ये, सो ये दोनों चेंज हो जाएंगी। ये वाली देखें, ये भी टेरी हुई है, ख़राब हो गई है। सो ये दोनों मैं देख के फिर नई लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सो पहले तो मैंने 3M टेप से लगाई थी बट अभी इसे ओपन करनी है, इसे ओपन करते हैं और फिर ये देते हैं क्योंकि नंबर प्लेट भी ख़राब हो जाती है इससे। सो गाइस ये देखें फॉर्च्यूनर विदाउट नंबर प्लेट, ये चेक करें इसके अंदर लगी थी और ये देखें नंबर प्लेट। मैं इसलिए कहता हूँ ख़राब हो जाती है ऐसे मत लगाओ, ये चेक करें नंबर प्लेट के अंदर फिर ऐसे राख करके फिर लगानी पड़ती है। इससे अच्छा आप 3M टेप लगाओ, डबल साइड से वो लगती है, जो मैंने बाकी कारों पर भी लगाई वो बेस्ट रहती है। इसमें देखें अभी नंबर प्लेट तो वैसे ही ख़राब है, इसकी वजह से और ख़राब लग रहा है। सो जो अभी न्यू है वो लेके आता हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको मैं कैसे लगाऊंगा। और ये चेक कर लें, अभी फ्रंट वाली भी उतारता हूँ। सो गाइस ये देखें नंबर पुराने वाले दोनों उतर गए हैं और अभी ऊपर जाता हूँ और न्यू लेके आता हूँ, फिर इस पर लगाते हैं। बिकॉज अभी बाहर लेके गए ड्राइव की, फिर पक्का फाइल पर ले गई बिकॉज अभी कोई नंबर दिया। सो पहले लेके आता हूँ पुराना वाला, दे के नया लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ डिफरेंट इन दोनों में। सो गाइस अभी ये नंबर है लेके चलो, तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। चलो अभी उतार लिए दोनों, अभी चलते हैं न्यू लेके आते हैं। और जो न्यू है ना वो इस तरह का होगा, जैसे ये देखें और न्यू इस तरह का होगा। सो गाइस ये चेक करें, न्यू नंबर आ गया N5870। चेक करें ब्लैक कलर में कितना कूल लग रहा है, 2 नंबर प्लेट्स। और अभी ये लगाते हैं बिकॉज अभी मैं इसमें हॉल निकलने लगा बिकॉज बहुत ज़्यादा जीप लगेगा। अभी इसको लगाता हूँ फिर आपको लुक दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी। सो गाइस ये 3M टेप जो मैं लगाने लगाऊँ, ये डबल साइड टेप होती है, अभी पीछे लगा के डायरेक्ट लग जाएगी ये नंबर प्लेट। ये देखिए फाइनली नंबर लग गया है, चेक करें N5870 नंबर लग गया है। और चेक करें दुबई इधर आ गया ब्लैक एंड वाइट में, पहले इधर होता था और बिल्कुल ब्रांड न्यू नंबर प्लेट आ गया। चेक करें कितनी कूल लग रही है, ये तो लग रही है। आगे वाली चेक करते हैं कैसे लग रही है, ये चेक करें आगे वाली। ओ आगे वाली तो दी नहीं यार, उसने दोबारा जाना पड़ेगा। ओ वो वेट ये है, चेक करें लुक, चेक करें आगे उधर थी अभी मैंने इधर लगाई है। और चेक करें लुक कितनी प्यारी आ रही है फॉर्च्यूनर की, प्यूरी लग रही है, चेक करें खतरनाक। ये चेक करें N5870 और चेक करें बिल्कुल ब्रांड न्यू आ गया। और चेक करें लुक अभी प्यारी लग रही है बिकॉज नंबर प्लेट मैंने अभी लेफ्ट साइड पे लगाई है, ड्राइवर वाली जो ड्राइव करता है उस साइड पे, और बहुत ज़्यादा कूल लग रही है अभी। अभी चलते हैं, लेट्स गो।